हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही सिंपल राइस की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे आप झटपट लंच या फिर लंच बॉक्स के लिए इजीली बना सकते हैं। रात के बचे हुए चावल हो या फिर दिन के बचे हुए चावल, इसे आप क्विकली किसी भी टाइम पर बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए हम आज की क्विक अनियन राइस की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। अनियन राइस बनाने के लिए एक पैन में हम लेंगे 2 चम्मच तेल। तेल जब अच्छे से गर्म हो जाए तब इसमें डालेंगे हम 1/2 टीस्पून जीरा, 1/2 टीस्पून राई और 2 प्याज, जिसे हम इस तरह से स्लाइसेस में कट कर लेंगे। प्याज को हम अच्छे से एक बार मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें डालेंगे हम नमक स्वाद अनुसार, एक बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे और अब हम प्याज को अच्छे से 3 से 4 मिनट तक लो टू मीडियम फ्लेम पर हल्का सा गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। 3 से 4 मिनट के बाद प्याज जब हल्का सा गोल्डन हो जाएगा तब इसमें डालेंगे हम हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून, धनिया पाउडर 1/2 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1/4 टीस्पून बस, और किसी भी मसाले की इसमें जरूरत नहीं है। अब इसे हम अच्छे से मिला लेते हैं। मसालों को मिक्स करने के बाद इसमें हम ये राइस डाल देंगे और साथ में डाल देंगे थोड़े से धनिया के पत्ते और अब राइस को हम अनियन के साथ बहुत अच्छे से मिला लेंगे। लास्ट में इसमें डालेंगे आधे नींबू का रस। तो बहुत ही क्विक और इजी अनियन राइस बनकर तैयार है। इसे आप अपने मन पसंद रायते के साथ सर्व कर सकते हैं या फिर इसे ऐसे ही एंजॉय कर सकते हैं। ये वाला राइस ऐसे भी खाने में काफी मजेदार लगता है, तो आप भी ट्राई कीजिए ये झटपट अनियन राइस यानी प्याज वाले चावल की रेसिपी। आपको ये बहुत पसंद आएगा। अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।